एक विद्यार्थी के 5 विषयों में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 15 है, उसके अंग्रेजी में 8, अर्थशास्त्र में 12, गणित में 18, कॉमर्स में 9 अंक है। सांख्यिकी के पर्चे प्राप्त अंक का ज्ञात करना है, जिसमें टोटल सब्जेक्ट है 5, मीन है 15, इंग्लिश में है 8, इकोनॉमिक्स में है 12, मैथ में है 18, कॉमर्स में है 9। हमें स्टैटिक्स का फाइंड करना है। इसमें हो जाएगा टोटल हमारे सब्जेक्ट है 5, अपॉन में आ जाएगा इसमें 5। हमें इंग्लिश में 8 अंक प्राप्त है, इको में 12, मैथ में 18, कॉमर्स में 9, और हम स्टैटिक्स के सब्जेक्ट को एक्स मान लेते हैं, प्लस एक्स। और माध्य हमें गिवन है 15, 15 ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 5। एक्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 को तो 75 आ जाएगा, इन सब को प्लस करेंगे तो 57 प्लस एक्स। हमें एक्स फाइंड करना है, इसलिए 57 को इस साइड ले जाएंगे, एक्स 75 को 57 से माइनस करेंगे 28 एक्स, मतलब उसके स्टैटिक्स में 28 अंक प्राप्त हुए हैं।